अगर आप फेसबुक पर स्टोरी डालते हो और गाइस वो जो सारी स्टोरीज हैं वो स्टोरी आर्काइव में सेव नहीं होती, सो गाइस आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो और अपनी सारी स्टोरीज़ को स्टोरी आर्काइव में सेव कर सकते हो। सो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अपनी स्टोरी आर्काइव दिखाता हूँ कि मेरी स्टोरी में आर्काइव सेव हो रहे हैं। सो इसके लिए आपको 3 डॉट में क्लिक करना है और फिर आपको ये आर्काइव वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आर्काइव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर ये स्टोरी आर्काइव वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइस आपके यहाँ पे सारी स्टोरी आर्काइव जो है सेव हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे यहाँ पर स्टोरी आर्काइव सेव हो रही है, लेकिन अगर आपके फेसबुक पर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। सो इसके लिए आपको पीछे आना है और पीछे और पीछे और पीछे। सो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑडियंस एंड विजिबिलिटी वाले ऑप्शन के अंदर ये स्टोरी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन करना है। स्टोरी वाले ऑप्शन को ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस आपको यहाँ पर अब ये स्टोरी आर्काइव वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद अगर आपने इस वाले ऑप्शन को टर्न ऑफ कर रखा है इस तरह से, तो गाइस आपको जो है इस वाले ऑप्शन को टर्न ऑन कर देना है। इतना करने के बाद आपके फेसबुक की सारी जो स्टोरीज है वो 24 आवर के बाद स्टोरी आर्काइव में सेव होना शुरू हो जाएंगी। सो इस तरह से आप अपने फेसबुक के स्टोरीज स्टोरी आर्काइव में सेव कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।